जंगलों में दिन बिताते हुए महाराणा का बदन लोहा हो गया था और सांस धौंकनी। मुगल पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे और महलों में पैदा हुए राजकुमार गुफाओं में कंकड़ों से खेल रहे थे। किसका दिल ना पसीजता, लेकिन ये महाराणा का दिल था। हल्दी घाटी के बाद अब बारी दिवेर की थी। इस बार महाराणा अकेले नहीं थे, बेटा कुंवर अमर सिंह बड़ा हो गया था। कुंवर ने पहले तो रूपा को पकड़ा। रूपा वो भील था जो हल्दी घाटी के मैदान से भाग खड़ा हुआ था। उसे सजा दी और फिर निकल पड़े दिवेर के अभियान पर। साल 1582 दशहरे का दिन मेवाड़ में कुंभलगढ़ किले से करीब 50 किलोमीटर दूर दिवेर में मुगल कमांडर सुल्तान खान ने कमान संभाल रखी थी। राजपूत टुकड़ी के साथ अमर सिंह ने उसकी फौज पर धावा बोला। मुगल सेना के पांव उखड़ गए। अमर सिंह ने मुगलों पर यह जीत अपने पिता के नाम की। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे कुंवर अमर सिंह का जन्म साल 1559 में हुआ था, 16 मार्च की तारीख को। अब वो 23 बरस के एक कड़ियल जवान हो गए थे। पिता के बाद गद्दी कुंवर को ही संभालनी थी। मुगलों से 17 बार जंग लड़ी उन्होंने, हारे कम जीते ज्यादा। लेकिन इतिहास में जिस चीज के लिए और जरा स्याह रोशनी में उनका नाम दर्ज है, वह है मुगलों के साथ उनकी संधि। साल 1615 में महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का क्या हुआ, कौन थे चक्रवीर महाराणा अमर सिंह, मेवाड़ ने मुगलों के साथ संधि क्यों की, ये सब बताएंगे आपको आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। दिवेर की जंग मेवाड़ की जिंदगी में महज जीत ही नहीं, खुशकिस्मती भी लेकर आई। अकबर ने लाहौर को अपना ठिकाना बना लिया और सल्तनत के दूसरे सूबों पर ध्यान लगाने लगे। महाराणा प्रताप को 12 साल का बहुमूल्य समय मिल गया। चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर उन्होंने मेवाड़ का काफी हिस्सा दोबारा हासिल किया। ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। सिर्फ 56 साल की उम्र थी उनकी जब 1597 में महाराणा ने अंतिम सांस ली। मुगलों के आगे न झुकने का उनका प्रण पूरा हुआ, लेकिन एक सपना था जो अधूरा रह गया, चित्तौड़ का किला वापस पाने का सपना। इस सपने का बोझ अब उनके वारिस पर आ गया। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह अगले महाराणा बने। इसके अगले ही साल अकबर ने लाहौर से वापसी की। मेवाड़ फतेह का ख्वाब एक बार फिर उनके दिल में था। मुगलों और मेवाड़ की जंग पीढ़ियों पर उतरने वाली थी। सामना होना था महाराणा अमर सिंह और शहजादे सलीम का। राम वल्लभ सोमानी की किताब हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ के अनुसार साल 1599 में शहजादे सलीम ने मेवाड़ पर चढ़ाई शुरू की। मुगलों की ताकत मेवाड़ से ज्यादा थी, बड़ी फौज थी दिल्ली से आई। इसका उन्हें फायदा भी हुआ और उन्होंने कई राजपूत थानों पर कब्जा किया। हालांकि जंगल और पहाड़ियों में युद्ध करने से मुगल सेना बचती रही, वहां राजपूत उन पर सवा बैठते थे, मतलब ज्यादा ताकतवर थे। अब महाराणा ने धीरे धरते हुए लड़ाई को लंबा खींचा और एक बार फिर हारे क्षेत्रों को वापस हासिल करने का अहद किया, कई हासिल किए भी। शहजादा सलीम उसमें धीरज नहीं था। वहीं शहजादे सलीम, जिन्हें बाद में मुगल बादशाह जहांगीर के रूप में जाना गया, उन्होंने मेवाड़ में सिर खपाने के बजाय बंगाल जाने का फैसला किया। हालांकि जल्दी वहां से भी उनकी वापसी हुई। 1603 में सलीम पहले से भी ज्यादा बड़ी मुगल फौज लेकर मेवाड़ की ओर रवाना हुई। अकबर का मेवाड़ विजय का ख्वाब पूरा करने का ये आखिरी मौका था। इस बार सलीम के साथ कई कछवाहा सरदार भी थे, महाराणा सलीम के आने का इंतजार कर रहे थे। ऐन मौके पर पता चला कि मुगल फौज फतेहपुर में ही रुक गई। ये वो दौर था जहां से मुगलिया सल्तनत में तख्त या ताबूत की कहावत शुरू होती है। मेवाड़ कैंपेन के दौरान सलीम के दिल में बगावत घर चुकी थी। वजह थी उनका अपना बेटा खुसरो मिर्जा। अकबर चाहते थे कि सलीम के बजाय खुसरो बादशाह बने। इतिहास गवाह है कि उनके संबंध अपने बेटे सलीम से तनातनी भरे थे। सलीम को ये बात हरगिज गवारा नहीं थी। मेवाड़ जाते हुए भी उनकी एक नज़र आगरे पर लगी हुई थी। फतेहपुर पहुंचने के बाद उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करने के बजाय अकबर को संदेश भिजवाया कि जंग के लिए कुछ और फौजी दस्ते और रकम भेजी जानी चाहिए। अकबर ने सलीम की मांग नहीं मानी तो वो इलाहाबाद की ओर निकल लिए और अकबर का आखिरी मेवाड़ कैंपेन रह गया धरा का धरा। 2 साल बाद अकबर की मृत्यु हो गई, सलीम को गद्दी मिली और अब उनका नाम हो गया जहांगीर। तख्तनशी होते ही जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ के घुटने टिकाने की सोची। तजुक ए जहांगीरी में वो लिखते हैं, मेरे पिता के समय में भी कई बार राणा पर सेनाएं भेजी गईं, किंतु उसने हार नहीं मानी। बादशाह बनते ही मैंने अपने बेटे शहजादे परवेज को एक बड़ी फौज, भारी खजाने और कई तोपों के साथ इसीलिए महाराणा के पीछे भेजा। जहांगीर ने कई नामचीन सरदारों को परवेज के साथ भेजा। बादशाह ने परवेज से कहा कि अगर राणा मिलने और मातहत में रहना स्वीकार कर ले तो मुल्क को मत बिगाड़ना। इसका मतलब अगर बात से बात हो जाए
तो लड़ाई की जरूरत नहीं है। जहांगीर को लगा कि इतनी बड़ी फौज देखकर महाराणा अमर सिंह संधि के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा ने अपने पिता की तरह छापामार युद्ध का रास्ता चुना। एक लंबी लड़ाई के दौरान मुगल सेना ने मेवाड़ की जमीन को रौंद डाला, लेकिन महाराणा को पकड़ने में नाकाम ही रहे। इस नाकामी से जहांगीर इतने नाराज हुए कि उन्होंने परवेज को युवराज के पद से ही हटा दिया। इसके बाद जहांगीर ने एक और चाल चली, उन्होंने महाराणा अमर सिंह के चाचा सगर सिंह को मेवाड़ के मुगल कब्जे वाले हिस्से का सरदार बना दिया। चाल ये थी कि ऐसा करते मेवाड़ के सरदार अमर सिंह को छोड़कर सगर सिंह के साथ आकर मिलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेवाड़ के सरदार वफादारी निभाते रहे। ।1605 से 1615 के बीच जहांगीर ने लगातार मेवाड़ की तरफ लश्कर भेजे। साल 1608 में 2000 बंदूकचियों के साथ महाबत खान ने हमला किया। महाराणा के आदेश पर इस बार मोर्चा संभाला एक बहादुर राजपूत सरदार मेक सिंह ने। महाबत खान की हार हुई। महाबत के बाद अब्दुल्ला खान आया, उसे कुछ सफलता मिली, जिससे खुश होकर बादशाह ने उसे 5000 मनसबदार बनाया। साल 1611 आते आते उसके भी पांव उखड़ने लगे और उसे भेज दिया गया गुजरात। अगला नंबर आया पहाड़ी राजा बासु का। लोक कथाओं के अनुसार राजा बासु के मेवाड़ से अच्छे रिश्ते थे और एक बार महाराणा अमर सिंह ने एक पुरोहित के हाथों मीराबाई की पूजी हुई एक मूर्ति भी दान में दी थी। इसके बावजूद जहांगीर के कॉल पर बासु ने मेवाड़ फतेह की कोशिश की। यहां भी नतीजा सिफर रहा। आखिरी मौका मिला मिर्जा अजीज कोका को। इस बार भी इतिहास ज्यों का त्यों रहा। लगातार मिल रही नाकामी से जहांगीर खिसिया गए। अंत में उन्होंने कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया। तुजु के जहांगीरी में वो लिखते हैं, हर काम का एक वक्त होता है, जब होना होता है तभी काम होता है। मुझे ख्याल आया कि आगरा में मुझे कोई काम नहीं और मेरे गए बिना मेवाड़ का काम ठीक से होगा नहीं। मैंने राणा को अपने रुतबे का एहसास कराने के लिए आगरा से अजमेर जाने का फैसला किया। पिछली बार जब जहांगीर ने मेवाड़ पर हमला किया था वो शहजादे थे। इस बार वो अपने शहजादे खुर्रम को साथ लेकर आए थे। आगे जाकर उनका नाम शाहजहां पड़ा। जहांगीर ने पिछली बार हार का मुंह देखा था, लेकिन इस बार वो हार बर्दाश्त कर नहीं सकते थे। इसे सावधानी बरतते हुए उन्होंने खुर्रम को आगे भेजा और खुद अजमेर में रुके। इस बार मुगल सेना पिछली सभी फौज जो भेजी गई थी उससे ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि बादशाह खुद आए थे। मुगल सल्तनत के माथा ताने वाले सभी राजा सरदार साथ में भेजे गए। मुगलों की तैयारी पूरी थी। छापामार हमलों से बचने के लिए मोर्चे बनाए गए और महाराणा की राजधानी को चारों ओर से घेरा गया। मेवाड़ के लिए ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने की इसी तरह जंग बनी। खुर्रम ने अपनी सेना को चार हिस्सों में बांटा और मेवाड़ पर हमले का आदेश दिया। मुगल सेना चावंड की तरफ बढ़ी और राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया। खुर्रम ने एक एक कर उत्तरी मेवाड़ के सारे थाने कब्जा लिए और महाराणा को दक्षिण में सीमित कर दिया इलाके को। महाराणा ने रात में होने वाली छापामार युद्ध का सहारा लिया, लेकिन इस तरह जीतने की संभावना न के बराबर थी, क्योंकि ये हैरेसमेंट अटैक्स होते हैं। आप दुश्मन को हैरेस कर सकते हैं, उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हराना मुश्किल होता है। ज्यादा से ज्यादा वो मुगल सेना को नुकसान ही पहुंचा सकते थे। मेवाड़ के जमींदार मुगलों की कैद में जाते जा रहे थे और वहां उन्हें किया जाता था शर्मिंदा। 2 साल तक लड़ाई इसी तरह चली और अंत में जब राजपूत सेना की जान के लाले पड़ने लगे, कुछ सरदारों ने अपने लेवल पर खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेज दिया। जहांगीर को मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो लिखते हैं, मैंने राणा को माफ कर दिया और मलमल में लपेट कर एक शाही फरमान भिजवाया। कर्ण सिंह ने यह फरमान महाराणा को दिखाया। इसे देखकर अंत में मेरे मन से महाराणा अमर सिंह संधि को तैयार हो गए। फरवरी 1615 में कर्ण सिंह ने खुर्रम से मिलकर संधि की शर्तें तय की। मेवाड़ ने मुगलों के माथा ताना स्वीकार किया, लेकिन अपने लिए कई छूटे भी ली। जो शर्तें मानी गई वो कुछ इस तरह थी। पहली, बाकी रियासतों की तरह महाराणा कभी मुगल दरबार में पेश नहीं होंगे, उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि जाएंगे। मेवाड़ के 10 घुड़सवार शाही सेना में शामिल होंगे। मेवाड़ और मुगल सल्तनत के बीच शादी ब्याह के रिश्ते नहीं होंगे। तीसरी शर्त, महाराणा को चित्तौड़ मिल जाएगा, लेकिन चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। अगर आपको आखिरी शर्त कुछ अजीब लग रही थी तो उसके लिए तारीख का पिछला एपिसोड देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई दशक पहले अकबर ने चित्तौड़ का किला जीता था, लेकिन इस जीत में मुगल सेना के पसीने छूट गए थे, इसलिए उन्हें डर था कि मरम्मत होने पर आगे उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संधि के बाद कुंवर कर्ण सिंह ने जहांगीर से भी मुलाकात की। जहांगीर के काल में भारत आए एक ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो के अनुसार बादशाह ने कर्ण सिंह को भीतर बुलाकर अपनी छाती से लगाया। इस मौके पर जहांगीर ने मेवाड़ के लिए कई तोहफे भी भिजवाए। इसमें एक रत्न जड़ी हुई कटार और उम्दा नस्ल का एक राखी घोड़ा भी था। साथ में मोतियों की माला, अंगूठियां, बर्तन आदि तोहफे भी मेवाड़ भिजवाए गए।
कर्ण सिंह को 5,000 मनसबदार नियुक्त किया गया। संधि के तहत मेवाड़ को काफी रियायत मिल गई थी, उन पर बाकी रियासतों जैसी पाबंदियां भी नहीं थी। इसके बावजूद महाराणा अमर सिंह के लिए यह गहरा सदमा था। उन्होंने राजकाज कर्ण सिंह को सौंप दिया और खुद एकांतवास में चले गए। इस संधि के 5 साल बाद 26 जनवरी 1620 के रोज उनका देहांत हुआ। मुगलों के साथ संधि के चलते महाराणा अमर सिंह को कई इतिहासकारों की नज़र में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, लेकिन ये भी सच है कि उनकी वीरता अद्वितीय थी। मुगलों के सामने अनोखा साहस दिखाने के चलते उन्हें चक्रवीर की उपाधि मिली थी। चित्तौड़गढ़ युद्ध के बाद जैसे अकबर ने जयमल और पत्ता की मूर्तियां अपने महल के आगे लगवाई थी, उसी प्रकार जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह तथा कुंवर कर्ण सिंह की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले में लगवाई। सर टॉमस रो के अनुसार जहांगीर ने मेवाड़ को अपने अधीन किया, लेकिन जीत कर नहीं। इससे मुगलों को अपने आप में कोई बढ़त नहीं मिली, बल्कि उन्हें उल्टे में काफ़ी कुछ देना भी पड़ा। यहीं पर आज का तारीख खत्म होता है, जिसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।